दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कान्हा ब्रो की तरफ से भी जय श्री राम। और कान्हा ब्रो के बाल वंस अगेन बिखर गए यार। बच्चों के बाल कंघी कैसे करते हो आप लोग, मुझे भी बताओ। मैंने इसके लिए स्पेशली लव लैप की कंघी ले रखी है। मॉम्स कंपनी का ऑयल डालती हूँ, बट इसके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं, डोंट नो वाई। तो आज हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर जाएं, क्योंकि छुट्टी थी तो घर पे थे, बोर हो रहे थे। तो पतिदेव कहते हैं चल बाहर चलते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा के लाते हैं। फिर हमारे दिमाग में बात आई कि हमारी तो डार्लिंग भी दिल्ली में ही है भैया। तो ये गए हैं अभी श्रियांशी डार्लिंग को लेने। बेबी मम्मी अंधी हो जाएगी उस चश्मे के बिना। दे देना बेबी ब्रो, दे 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 दे। तो ऊपर ही लगा लेती हूँ सर के। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वेरी गुड। तो ये गए हैं अभी तब तक श्रियांशी को लेने के लिए। और बेटा छिली हुई मूंगफली खाते, छिलका समेत नहीं खाते। ये देखो मेरे बेटे को आधी खोखली मूंगफली खानी है इसको, वो गंदा होता है मेरी जान। अच्छा अच्छा के लाइन जो तो जय श्री शाम बोल दू पहले। अरे अरे काटने काटने, देखो दोस्तों, देखो देखो ये हुआ था ऊटी मेरा। छोड़, देख रहे हो गीला कर दिया इसमें। तो अभी इसके पापा आ जाए, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। आज बच्चों को एंजॉय कराएंगे। आज स्पेशल बच्चों का दिन है हमारे चुचको बुचको का। या हम आ गए हमारी डार्लिंग को ले। डार्लिंग जल्दी आओ मतलब हेलो, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। आप भी अच्छे हो ना? बोल दो मेरी मामी वर्ल्ड बेस्ट। मामी वर्ल्ड बेस्ट और मामा दुनिया से बेस्ट। बोल दो मामा बैंगन। मामा बैंगन लेके मामा ही जा रहा है, बताऊं तेरे को। अभी अभी गाड़ी बैठ के बात करते हैं आप लोगों से। ये हम लोग कार में, ये रहा मेरा मिक्की माउस और श्रियांशी बेबी। बाहर देखिए बेबी, बीच में आ जाओ। श्रियांशी बेबी नहीं बोलोगे, डार्लिंग बोलोगे। डार्लिंग बीच में आ जाओ, बीच में इधर आ जाओ, दिखाओ चेहरा। इधर आओ डार्लिंग। कहाँ जा रही हो? तो घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। पहले एक बार वही बोलो जो याद कराया था, वर्ल्ड बेस्ट कौन है? और दोनों मामा ये बेटा मामा पकड़े बेटा, फिर तो तेरे डर नहीं लगता है क्या? बोल दे मामी बचा लेंगी। और इसके स्प्रिंग लगी पड़ी है, इसको गाना चला दो तो नाचेगा ये। और शाम हो गई, हम लोग कब से दोपहर से प्लान करते करते शाम को निकल पाए। स्पीड इतनी अच्छी है दोस्तों। क्या है ना, हम पता है अभी हमारी डार्लिंग कई दिनों बाद चेन्नई से दिल्ली आई है, और आई है तो हम सोचे थोड़ा घुमा लाए, खाला लाए, पिला लाए। कहा डार्लिंग? डार्लिंग बाहर देखने में लगी, आई नहीं रही है, वो हिल ही नहीं रही है। डार्लिंग को मतलब ही नहीं है, कह रही भाड़ में जा मामा तू है, ऐसा बोल लिया तू? बोलते ऐसे नहीं बोलती मामा। ओए क्या देख कोई रहे मतलब हो? नहीं है उसको, बाहर मजे ले रही है। कोई नहीं, करने दो संजय। तो दोस्तों हम आपसे मिलके मतलब पहुंच के मिलते हैं। लिंग कहाँ पे आए हो? मतलब घूमने। घूमने घूमने आ गए। बोल दो हेलो गाइस, घूमने आ गए हैं। हेलो गाइस, घूमने आ गए हैं। आप भी आ जाओ। बोल दे आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ। बोल दे लेकिन हम पैसे नहीं देंगे आपको। बोल दो हम पैसे नहीं देंगे। हम पैसे नहीं देंगे। तो डार्लिंग के साथ हम पहुंच गए कहाँ पे बताएं? ये देखो, पढ़ लो भैया, ये पढ़ सको तो पढ़ लो। एडवेंचर आइसलैंड। अब यहाँ पे आए हैं। आइलैंड है बेबी, साइलेंट है। अच्छा नहीं, हम आइसलैंड पढ़ेंगे इसको। एडवेंचर आइसलैंड पे पहुंच गए हम। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है जिसमें गाड़ियाँ छुप गई हैं। क्यों डार्लिंग? क्या? गाड़ी छुप गई है ना, समझे आप लोगों ने? तो फटाफट चल रहे अंदर। कान्हा भाई हमारे सो चुके हैं, खरगोश जी हमारे, देखो आज डार्लिंग हमारी बड़ी डार्लिंग की बैंड बजेगी। और फटाफट चलते हैं, एंट्री करते हैं, थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, फिर चलेंगे वापस घर। इनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, देखते हैं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। रोक दिया। ये आज अंदर का एम्बियंस देखो दोस्तों, क्या भीड़ है यहाँ पे आज, अच्छा खासा लग रहा है। सारी अपने बच्चों को घुमाने आए हैं जैसे हम घुमाने आए हैं। श्रियांशी की खुशी देख के तो मतलब लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसका उन्होंने तो मेरी जान ले ली थी। और ये आ रही है टॉय ट्रेन, जैसे ही खाना जाग जाएगा उसके बाद मैं दोनों बच्चों को इसमें घुमाऊंगी। बिकॉज बच्चों को यार ऐसी चीज़ों में घुमाना चाहिए, पता है उनको बहुत अच्छा लगता है। मेमरीज यही तो रह जाएंगी लाइफ में, और है ही क्या जिंदगी में। और यहाँ पे ना नए नए गेम जोन भी खुल गए जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे हम लोगों को। देखो श्रियांशी,
तो भैया हमने अपनी सवारी ली और गोला डार्लिंग को पीछे छोड़ के मैं और मेरी डार्लिंग चल पड़े आगे मो करते हुए। इसका साउंड आपको नहीं आ रहा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही म्यूजिक था और यहाँ हमारे काना भाई हमारे बगल में छिपके हैं, पुच्ची पुच्ची कर रहे हैं और भाई इतना मज़ा आ रहा था, लिटरली खूब मजे आ रहे थे। और वो देखो दूर से हमारे डार्लिंग हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन सच बताऊँ ना तो ये बाइक चला गया, ऐसा मन किया कि एक बाइक में अपने। फिर अब सेकंड टर्न आई दोस्तों मेरी बैठने की, श्रेयांशी और काना को लेके मैं बैठी टॉय ट्रेन में। और दोस्तों ये अगर आप मेट्रो वॉक जाते हो इस टॉय ट्रेन में ज़रूर घूमना भैया। पहली बार मैंने काना जी की पोयम सुनी है, इसके अंदर एक पोयम चल रही थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार काना इज माई सुपर स्टार, नंदलाला की जय जयकार। मतलब यार सच्ची में हिंदू अगर जागा है ना तो वो अब जाके जागा है। और काना को मैं यहाँ बोल रही थी काना आगे देखो, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था, वो ऐसे चिपक गया कि आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था काना को गले लगाने में। आप बाहर देखो वहाँ खड़े हैं मेरे जानू, हे बेबी, इनको देख के तो मैं क्या होता हूँ, मेरा दिल कैसे धड़कने लगता है। एडवेंचर आइलैंड से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम कहाँ आए हैं श्रेयांशी? लिट्टी चोखा खाने। लिट्टी चोखा खाने, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। हाँ बस उतने बोल पाते हमारे लाडो, अभी छोटी है ना। और ये ड्राइवर साहब पूरी जान से इंडिकेटर दे रहे हैं, डिपर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं जो कर सकते हैं। और इसके पापा बाहर है लिट्टी चोखा खाने, डिपर चला रहे हैं। हाँ मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। और बीवी की फरमाइशों पर दे पूरा ना करे ऐसे तो आसार नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं जीत गई और अब लिट्टी चोखा बनाया। बेटा तुम नहीं चलाओ, तुम्हारा हाथ बड़ा है, तुम्हारे हाथ से घूम जाएगा, गाड़ी चालू है लाडो। अच्छा किसमें मजा आया श्रेयांशी? मामा के साथ घूमने में मजा आया, मामी के साथ? स्कूटर पे अच्छा लगा, ट्रेन में? मामी के साथ बेटा, नेता है लड़की हमारी, उसको पता है मामी के साथ हुआ भी मामी बोलना जरूरी है। तो जी अब हम लोग खा ले, बहुत दिन से क्रेविंग हो रही है मेरे को। क्या देखो इसको दोस्तों, इसको देखो नौटंकी को। काना ब्रो, दीदी, पापा नहीं दीदी है, दीदी कुछ भी बुलवा लो सिर्फ पापा बोलेगा लौट के। बोलो दीदी। हाय दीदी, डिपर दे रहे हैं फुल तेज हम लोग। आगे वाले अंकल को बोल रहे हैं अंकल साइड हो जाओ, डिपर है। ये हम लोग घर आए और ये आधा पैकेट बिस्किट रखा था जो ये चर गया। इधर क्यों खाया? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, करो तो बात में। अब ये देखो मक्खन लगाया जा रहा है हम दोनों को, इतने और ये यहाँ रो रहा है कि स्पीकर बजाओ, इधर हमने पलंग पे स्पीकर रख रखा है। चलो माफ कर दो, अब अगली बार नहीं खाएगा बेटा, तू बीमार हो जाएगा, तेरे लिए ना बोलते हैं हम लोग। तो ठुस ठुस कुमार, ठुस 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 मैं ठुस ठुस करता हूँ, ठुस ठुस। मेरा ये मेरा पोता है दोस्तों, ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। काना का बेटा हरिया, ओ लो हरिया ले लो हरिया। अरे यार म्यूजिक बजा देती हूँ दोस्तों, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, म्यूजिक बजा दूँ तो वो चुप हो जाए। देखो बेबी ब्रो सो चुके हैं और ये देखो बेबी ब्रो के बिग ब्रो, ये अभी अपने पापा से डांट खाए थे तो कुछ ज्यादा लाड़ में आ रहा है ओवर। पता नहीं इसको क्या हो गया कुछ टाइम से, अगर इसे गलती से कुछ भी खाने का दिख जाए, पहले ये हर जगह रखी हुई चीज नहीं छूता था, सिर्फ स्टेयर्स पर रखी होती थी तो छूता था, पर अब ये हर जगह की चीजें छूने लग गए हैं। थोड़ा सा कोई नहीं सिखाएंगे, बच्चा है गलती वलती करते रहता है। और श्रेयांशी को हम लोग घर छोड़ कर आए, इतना रोने को हो गई थी, अपनी मम्मी से बोलती ठीक है बाय मैं मामा के साथ जा रही हूँ, और ये उसको बोल रहा चल 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 चल, मैं इनको समझा रही छोटी है वो। मतलब उसको इतना मज़ा आया हम लोगों के साथ और हमें भी बहुत मज़ा आया, ऐसे अच्छा लगता है ऑब्वियसली बच्चे साथ में होते हैं तो इन्जॉय करने के लिए, वरना बड़े लोगों के लिए तो क्या ही होता है इन्जॉय करने का। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए और ऐसे ही अपने घर में बच्चों के साथ खेलिए घूमिए मिलिए और टाइम निकालिए। बाय बाय।